नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने जब से बिहार में आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है तब से इस गठबंधन को बेमेल माना जा रहा है। बीजेपी और केंद्र सरकार को अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास कराने के लिए नीतीश ने पूरे देश में विपक्षी एकता का इंडी गठबंधन तैयार कर दिया। इस गठबंधन के बने महज 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस बीच कई बार ऐसा लगा कि नीतीश कुमार गठबंधन में सहज महसूस नहीं कर रहे। एक बार फिर से नीतीश कुमार के बयान ने खलबली मचा दी है। दरअसल गुरुवार को नीतीश कुमार ने पटना में सीपीआई की रैली में सार्वजनिक मंच से कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दे दिया। आज जो केंद्र में सरकार है उसकी आजादी से कोई लेना देना नहीं। देश ने आजादी की जो लड़ाई हुई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को तो ये लोग बुलवाना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं हर चीज को, इसलिए जरूरत है इस बात की। और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इससे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के रहिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनौवा होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आज कल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश ने कहा कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है, कांग्रेस पार्टी को आगे रखकर इंडिया गठबंधन को बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन उनको इन सब की चिंता नहीं है, अभी 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं। इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस और गठबंधन से खुश नहीं है। इस पर JDU को सफाई देनी पड़ रही है। JDU के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा वो अलायंस के फाउंडर हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस सबको बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो आर्किटेक्ट है ना भाई इस अलायंस के, इस अलायंस इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार है, फाउंडर है, बेस उन्होंने बनाया इस अलायंस का, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। तो अगर उनको लगेगा कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उनका बोलने का मतलब यही था कि ये जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त हैं और जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर इस पर बातचीत होगी। वहीं नीतीश कुमार के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, देश के किसी राज्य में चुनाव होगा तो वो कांग्रेस के लिए गंभीर चुनाव होता है। अभी कांग्रेस का फोकस 5 राज्यों का चुनाव जीतने पर है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो सही है, अभी कांग्रेस का बहुत फोकस इंडी गठबंधन पर नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो वो कांग्रेस के लिए गंभीर चुनाव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस का पूरा फोकस उन 5 राज्यों का चुनाव जीतने पर है। तो नीतीश जी जो कह रहे हैं वो सच है एक हद तक कि अभी बहुत ध्यान इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का नहीं है, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय सहयोगी हैं जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, ये सब लोग इंडिया गठबंधन का काम देख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इनके भरोसे इंडिया गठबंधन की ताकत बनी रहेगी और 24 में मोदी हारेंगे। और इधर नीतीश कुमार के बयान के बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार के कहने का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी व्यस्त है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की गतिविधियां बढ़ेंगी।
इनके कहने का, आदर नीतीश कुमार जी के कहने का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आदर नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी व्यस्त है। तो अभी जब स्वाभाविक है, जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे, इसके बाद इंडिया गठबंधन की गतिविधियां, बैठकों का दौर, ये सब फिर से प्रारंभ होगा। तो सीट का बंटवारा अंतिम तो यही होना है ना, सीटों के बंटवारों को लेकर के जो बैठकों का दौर होगा, इसके बाद बहुत तरह की कमिटियां बन गई है, वो सब भी बैठकें चल रही है, और विधानसभा चुनाव के बाद फिर इंडिया गठबंधन के बैठकों का दौर चालू होगा और गति आएगी। यही बात आदर नीतीश कुमार जी ने कहा है। इसके उलट सार्वजनिक मंच पर कही गई नीतीश कुमार की बात पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि घमंडिया गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है। लालू यादव ने जबरदस्ती नीतीश कुमार को गर्त में धकेल दिया है। अब नीतीश कुमार का दर्द छलक रहा है। घमंडिया गठबंधन में कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। नीतीश कुमार को घमंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने मिलकर के साइडलाइन कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने एक राजनीतिक रणनीति के तहत नीतीश कुमार को बिल्कुल कोने में धकेल दिया है, और नीतीश कुमार अब इस बात को जान भी गए हैं। बहुत सारे ओकेजन्स पे उन्होंने इस बात को कहा, और कल तो माले की मीटिंग में उनका दर्द बिल्कुल छलक गया। उन्होंने अपने दिल की बात कही। पहले तो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए और अब उन्हें बिल्कुल कोने में ढकेल दिया गया है। और लालू प्रसाद यादव और राजद बिहार में भी उन पे दबाव बना रहे हैं, हर काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन पे दबाव बना रहे हैं कि अब वो संन्यास ले लें और कुर्सी तेजस्वी को सौंप दें। लालू प्रसाद यादव की दबाव की राजनीति का नतीजा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। भले ही भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान भी इन पार्टियों में कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि नियुक्ति पत्र बंटवारे के मंच से तेजस्वी का पोस्टर गायब करने और खुले मंच से कांग्रेस को सुनाने के बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कौन सा धमाका करते हैं। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।